ये आप देख सकते हैं ददराल फोर्ट के मनाजर जो बहरीन के पहाड़ों से निकल के आते आ रही हैं, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये वही ब्रिज है जो मेन बाजार बहरीन के हैं, जो कि इस पे करप्शन हुई है 12 साल गुजर के बाद, कई हुकूमतें गुजरने के बाद भी इस ब्रिज पे बिल्कुल करप्शन की वजह से ये अभी तक तामीर नहीं हो सकी। और ये बहरीन बाजार के वो ब्रिज है जो कि करप्शन के बाइस अभी तक ये तामीर नहीं हुई, और दोबारा ये बहरीन के आवाम के लिए सर्द दर बन चुकी है, ये हुक्मरानों के लिए लम्हाई फिक्रियाँ हैं, और ख़ासकर महकमा NHA के लिए जिस पे करप्शन की गई है। अगर करप्शन न की होती तो इसको बहाल की जाती, लेकिन अभी तक इसको 12 साल गुजरने के बाद ये वही जू के तू है, और आज ये बहरीन के आवाम के लिए सर्द दर्द बन चुकी है। अगर पानी के बहाव में इसी तरह इजाफा होता जाएगा तो यकीनन ये बहरीन के बाजार को एक बार फिर अपने लपेट में लेके और मुकम्मल नुकसानात का जाला बन सकती है, नुकसानात में तब्दील हो सकती है। बहरीन के बाजार के रिवर साइड पे जितने भी होटल हैं, दुकानें हैं, वो इस वक्त खाली हो चुके हैं। ये वो ब्रिज है जो 2010 की सैलाब में परेशानी के सबब बन चुकी थी।